कृषि क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र की हमेशा से अनदेखी होती रही है। आजादी से लेकर आज दिन तक कृषि क्षेत्र और किसानों की बेहतरी के लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा। ये शब्द लोकसभा सांसद शांता कुमार ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि सबसे गरीब वर्ग में 80% लोग किसान हैं। शांता कुमार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश भर के किसानों को सीधी आय सहायता लागू करने की मांग की है। बकौल शांता कुमार, भाजपा की केंद्र में सरकार बनने के बाद भारतीय खाद्य निगम के संबंध में प्रधानमंत्री ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। शांता कुमार की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में अशोक गुलाटी जैसे कृषि वैज्ञानिक भी शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को जनवरी 2015 में सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री से 45 मिनट तक चर्चा भी हुई थी। कमेटी का निष्कर्ष ये था कि कृषि व्यवसाय लाभप्रद नहीं है, इसमें सामाजिक स्तर भी अधिक नहीं है, इसीलिए अधिकांश किसान कृषि व्यवसाय छोड़ना चाहते हैं, परंतु इस व्यवसाय के बिना देश नहीं चल सकता। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि किसानों को खेतों में लगाए रहने के लिए कई देश उन्हें सीधी आय सहायता देते हैं। कमेटी ने भी देश में किसानों की सीधी आय सहायता देने की मांग मुख्य रूप से की है। सांसद शांता कुमार ने कहा कि उन्होंने इसका अध्ययन किया है कि भारतीय खाद्य निगम में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वहीं निगम में फजूल खर्ची भी बहुत ज्यादा है। यदि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में उपभोक्ताओं को सीधे उसके खाते में धन उपलब्ध करवाया जाए तो ये भ्रष्टाचार फजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और उपभोक्ता को भी लाभ मिलेगा, इससे सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। शांता कुमार ने कहा कि उर्वरकों में सरकार बेतहाशा अनुदान देती है, लेकिन उनका लाभ महज बड़ी बड़ी कंपनियों को होता है, किसानों को नहीं। सरकार 70,000 करोड़ रुपए उर्वरकों पर सब्सिडी देती है, लेकिन दोनों राशियों को मिलाया जाए तो 1,00,000 करोड़ रुपए बनते हैं, जिन्हें किसानों को सीधे तौर पर दिया जा सकता है। शांता ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति किसान का भुगतान सरकार उत्तर राशि से कर सकती है। शांता कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी। मोदी सरकार ने ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार अभी बाकी है, जिसे खत्म होने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में जो घोटाले से देश की छवि खराब की थी, उसे मोदी सरकार ने ठीक कर दिया है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तीजू का मैंने पत्र लिखा है कि देश में किसानों की दशा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और मैंने ये कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि सबसे आवश्यक जो कृषि है वो सबसे ज्यादा उपेक्षित रही है, और देश का किसान आत्महत्या के कगार पर है। लगभग 3-3.5 लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं, और मैंने पत्र ये भी कहा पत्र में कि 4 साल में जो सरकार हमारी आई है उसने किसानों के लिए बहुत बढ़िया अच्छी योजनाएं बनाई है उनकी आमदन दुगनी करने के लिए, लेकिन उन योजनाओं का लाभ देर से मिलेगा। इसलिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो हमारी कमेटी ने सिफारिश की थी वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। सर, एफसीआई का जो आपने बोला है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, एफसीआई का वो कैसा है? मेरा ये कहना है कि फूड करप्शन ऑफ इंडिया में फजूल खर्ची है, भ्रष्टाचार, और इसी कारण आज भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 20-25% तक लीकेज है। तो इसलिए हमने कहा था कि जब जनधन योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहते हैं, गरीब को जो भी अनुदान देना हमने वो बिचौलियों के द्वारा नहीं, सीधा उसके खाते में जमा हो। तो हमारा ये कहना था, हमने कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए, लीकेज 100% रुकेगी नंबर एक, और उससे लगभग 30,000 करोड़ रुपए की सरकार को बचत होगी, वो पैसा किसान को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट कब सबमिट की है? ये 2015 में किया, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं? हाँ नहीं, उस पर चर्चा हुई है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में इसको शुरू भी किया गया है। ये दोबारा हमने इसलिए कहा क्योंकि तेलंगाना ने
हमारी रिपोर्ट का इम्पोर्टेंट अंश इम्प्लीमेंट कर दिया। तेलंगाना ने अभी अभी फैसला किया है कि वो अपने प्रदेश के सभी किसानों को 8000 रुपए प्रति एकड़ प्रति किसान प्रति वर्ष देगा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। और हमने भी अपनी कमेटी की रिपोर्ट में लगभग 7000 रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही थी। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, हमारे देश के एक प्रदेश ने एक बड़ा अच्छा काम किया, मैंने सराहना किया, मैंने उनके मुख्यमंत्री को बधाई का पत्र भी लिखा था। तो मेरा ये कहना कि अगर तेलंगाना जैसा छोटा सा प्रदेश कर सकता है तो भारत सरकार भी श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में ये काम कर सकती है और ये काम जल्दी होना चाहिए, ये आग्रह करते हुए मैंने अपना पत्र लिखा है। तो सर जयराम जी से भी